हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को इंतज़ार था कि हम 1 मई से पूरक परीक्षा का फॉर्म तो डाल देंगे, लेकिन हमारा जो टाइम टेबल है वो कब आएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का जिन बच्चों के सप्लीमेंट्री आई थी उन बच्चों का टाइम टेबल आ चुका है। तो सबसे पहले तो हम 12वीं की बात कर लेते हैं। तो 12वीं का जो पेपर रहेगा, सप्लीमेंट्री का फॉर्म डाल देना आज से डलना स्टार्ट हो गया है। अब आपका जो फॉर्म डलने के बाद जो आपका पेपर होगा कक्षा 12वीं का, वो अगर आपके सप्ली आई है हिंदी में या संस्कृत में, क्योंकि 12वीं में संस्कृत भी होता है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, भूगोल, अर्थशास्त्र, जो भी है आपके सब्जेक्ट जिसमें भी आपको सप्ली आई है, उसका जो पेपर रहेगा वो बच्चों 8 जून को रहेगा। 8 जून को आपका पेपर रहेगा, सारे पेपर, है ना। जिस बच्चे के जिस विषय में सप्ली आई है, एक ही दिन आपका पेपर है, ठीक है। जिसके बाद हम बात करें कक्षा 10वीं की, तो कक्षा 10वीं के दो पेपर होंगे, है ना। दो विषय में सप्ली मानी जाती है कक्षा 10वीं में, और टाइम जो रहेगा आपका, मतलब 10वीं और 12वीं का, वो रहेगा 8 बजे से 11 बजे तक, ठीक है। समय एक जैसा है। उसके बाद हम 10वीं की बात करें तो 10 जून को आपका पेपर हिंदी का है, 11 जून को गणित का है, 12 जून को उर्दू का है, 13 जून को सामाजिक विज्ञान, 14 जून विज्ञान, 15 जून अंग्रेजी, 18 जून संस्कृत, 19 जून मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, जो भी आपकी लैंग्वेज है, और 20 तारीख को आईटी वगैरह और ब्यूटी पार्लर वगैरह, इनका पेपर आपका रहेगा। तो ये टाइम टेबल अभी अभी जारी हुआ था, तो क्यों ना मेरे सभी दोस्तों को बताया जाए। ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। जिन बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है, उन तक आप ज़रूर पहुंचाएं, और शिक्षा से जुड़ी इसी प्रकार आपको खबरें मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन कॉल पर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।